स्टूडेंट्स है ना, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर एट ए पॉइंट 0.06 मीटर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 9 एम्पियर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना बच्चों? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। So what is this? This is basically flux density, है ना? और लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, है ना? तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है? What is the meaning of long straight wire? It means infinite straight wire. So, what is the meaning of long straight wire? Long straight wire means इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, सो बेसिकली अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सो बेसिकली अगर मान लो इफ यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच कैरीज सम करंट आई, सर हो गया, सो दिस इज एट अ डिस्टेंस आर, हो गया है ना? Yes. अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या है? आर इज इक्वल टू 0.06 मीटर। 0.06 मीटर। हाँ, आई कितना है? आई इज इक्वल टू 9 एम्पियर। 9 एम्पियर। हाँ, फॉर इनफिनाइट वायर फॉर्मूला क्या है इनफिनाइट वायर का बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई टू आई बाय ए। हाँ, तो डायरेक्टली बोलो ना कितना होगा। B is equal to mu naught I by 2 pi R नहीं है? Yes sir। जो sin mu naught I by 4 pi R whole into sin theta 1 plus sin theta 2 था, infinite wire के लिए theta 1 theta 2 both tend to 0, है ना? No, sorry, tend to 90 degrees। तो sin theta 1 sin theta 2 का value 1, है ना? तो numerator में आता है 2, denominator में 4 है, cancel out हो जाता है तो 2 आता है ना? तो फाइनल फॉर्मूला तो यही आता है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यस सर। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7। करंट का वैल्यू 9 एम्पीयर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू रेडियस 0.06 मीटर, मतलब 6 इनटू 10 टू द पावर -2 कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 इनटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। वन पॉइंट फाइव इंटू 10 to the power -5 टेस्ला, और इसको ऐसे बोल सकते हैं 15 × 10 to the power -6 टेस्ला implies B will be equal to 15 microtesla, है ना बच्चों? तो सब लोगों को समझ में आया बच्चों? एवरीवन अंडरस्टूड, है ना? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? यस सर। रिप्लाई कर लो यार जल्दी।
है ना। यस सर। फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं ना। समझ आ रहा ना बच्चों? तो बेसिकली कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ एल है एंड इट इज कैरिंग सम करंट आई थ्रू थ्री साइड्स, ठीक है ना। तो उसके लिए तुमको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के सोचना है थोड़ा। यहाँ पे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इट इज कैरिंग सम करंट आई, ठीक है ना। इसमें करंट है आई ऐसे, ठीक है। और ये मान लो सेंट्रोइड है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हो गया सेंट्रोइड, तो वो वाला पॉइंट क्या हो गया बेसिकली, उसको हम बोल सकते हैं वो सेंट्रोइड वाला पॉइंट है ना। तो सेंट्रोइड में फील्ड कितना है आई की वजह से, ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर ये एल है, अगर ये एल है तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, है ना। तो अगर ये एल है तो ये जो मान लो ये ए बी सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी ए दैट इज इक्वल टू एल, ठीक है ना। अब मान लो ये पॉइंट जो है ये पी है और ये पॉइंट सेंट्रोइड जहां पे वो मान लो ओ है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, ए पी जो है दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस 30 डिग्रीज, या फिर हम इसको मान सकते हैं एल कॉस 30 डिग्रीज, ठीक है ना। और वो हो जाएगा एल रूट थ्री बाई टू एपी का लेंथ, एपी का लेंथ कितना हो जाएगा एल रूट थ्री बाई टू। अच्छा, ए ओ है ना इज इक्वल टू टू बाई थ्री टाइम्स एपी और दैट इज इक्वल टू बाई थ्री टाइम्स एल रूट थ्री और दैट इज इक्वल टू एल बाय रूट थ्री, या फिर वो टू एल बाय रूट थ्री है ना। सो दैट इम्प्लाइज ए ओ, ठीक है ना, इज इक्वल टू टू एल बाय रूट थ्री, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। इफ ए ओ इज इक्वल टू टू एल बाय रूट थ्री तो फिर पी ओ क्या होगा। तो मान लो ये पी है, पी क्यू आर मैं ऐसे ले लेता हूँ है ना अलग अलग। तो एक पी है तो ये पॉइंट क्यू है तो ये पॉइंट आर है ना। तो पी ओ कितना होगा, पी ओ इज इक्वल टू है ना आई कैन से दैट दैट इज इक्वल टू ए पी माइनस ए ओ, ए पी माइनस ए ओ है ना। अच्छा, दैट इज इक्वल टू एल रूट थ्री बाय टू माइनस है ना एल रूट थ्री बाय टू है ना। सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली एपी माइनस एओ, ठीक है ना बच्चों, एपी माइनस एओ। सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली एपी माइनस टू बाय थ्री एपी, दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री एपी है ना बच्चों। तो बेसिकली हमको पी ओ कितना मिल रहा है, पी ओ इज इक्वल टू वन बाय थ्री टाइम्स एपी, एपी का जो वैल्यू है ना, एपी का जो वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू एल रूट थ्री बाय टू है ना। सो ये आ रहा है एल बाय टू रूट थ्री, टू बाय थ्री टाइम्स एल रूट थ्री बाय टू है ना। अच्छा बच्चों, ये तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा एल बाय रूट थ्री है ना। थोड़ा गलती हो गया, टू बाय थ्री टाइम्स एपी कितना होना चाहिए, टू बाय थ्री टाइम्स एपी, टू बाय थ्री टाइम्स एपी होना चाहिए टू बाय थ्री टाइम्स
L root 3 by 2. 2 cancel. So that is equal to L by root 3. है ना? तो ये 1 by 3 times L root 3 by 2 है, तो that is equal to L by 2 root 3. तो ये आ रहा है L by 2 root 3, है ना? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि PO is equal to PO is equal to QO, that is equal to RO, that is equal to L by 2 root 3. है कि नहीं बच्चों? है ना? अब यहाँ पे हम एंगल भी निकाल सकते हैं. बेसिकली एंगल सब क्या होगा, अगर ये 90 डिग्रीज है, समझ में आया ना बच्चों? ये 90 डिग्रीज है ना, ये 30 है, तो बेसिकली ये सब एंगल बाइसेक्टर है ना. बी क्यू ए पी और सी आर ये सब एंगल बाइसेक्टर्स है ना, तो ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा. तो बेसिकली ये भी 30 डिग्रीज, यहाँ पे ये 30 डिग्रीज, तो यहाँ पे ये 30 डिग्रीज. तो फिर ना यहाँ पे ये सब छोटा छोटा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए ओ आर बी ओ आर, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है. तो एक एंगल अगर 90 डिग्रीज, एक 30 है, तो दूसरा कितना होगा, 60 डिग्रीज. तो सारे ट्रायंगल्स में जो वर्टेक्स ओ के पास जो एंगल है वो है ना 60 डिग्रीज है, सारे राइट एंगल ट्रायंगल. दिस आर ऑल 60 डिग्रीज ईच, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है ना? तो बेसिकली आई कैन से दैट बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना होगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड सी ए, है ना? मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ए बी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई इंटू लेंथ ऑफ साइड इंटू साइन 60 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज. समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ बी सी क्या होगा, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई एल, है ना, होल इन टू अगेन साइन 60 प्लस साइन 60 डिग्रीज प्लस अगेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सी कितना आएगा, सी ए, वही फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय फोर पाई एल होल इन टू साइन 60 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज. समझ में आ रहा है बच्चों? इज दैट क्लियर? अच्छा, एल एल तो नहीं है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हर जगह पर, ये एल के जगह आ जाएगा एल बाय टू रूट थ्री, एल बाय टू रूट थ्री, एल बाय टू रूट थ्री, क्योंकि ये ओ क्यू या फिर ओ आर